हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ कि अगर आप बीकॉम के एग्ज़ाम्स आपके अगर आने वाले हैं तो किस तरीके से आपको वहाँ पर बना के लिखना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप बना के ढंग से लिख पाओगे वहाँ पर किस तरीके से, तो ही आपके अच्छे खासे बिना कोई दिक्कत के इजीली पास हो जाओगे। क्योंकि बीकॉम के बहुत सारे लोगों का ये नहीं होता कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस पास होना। तो अगर आप भी ऐसे ही कैटेगरी में हो तो आपके लिए ही वीडियो आई है। तो पास कैसे हो जाए इसलिए मैं उसके लिए आपको दिखना पड़ेगा कि कैसे बना के लिखना है। तो वो मैं आपको आज की वीडियो में थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि कैसे बना के लिखा जाए, क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा बहुत बार हुआ है। और दरअसल मैं भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स आ गए, जो कि पूरी कह सकते हैं कि सेक्शन में नंबर सेकंड में। तो ये कैसे हुआ उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि, और ये प्रेजेंटेशन का सारा खेल किस तरीके से बना के लिखा है। वैसे तो मैंने इसकी काफ़ी वीडियोस बना रखी है इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा वो पिक्चर क्लियर नहीं है उसके अंदर आपकी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहना वीडियो में, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले कि ये समझना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले समझ लो कि क्वेश्चन किस टाइप का है। क्या वो पूछ रहा है करेक्टरिस्टिक्स, क्या वो इम्पोर्टेंस की बात कर रहा है, क्या वो डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन है, पहले आपको ये समझना है। हो सकता है कुछ होता है कि एक फ्रेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, कोटेड लाइन लिखी होती है, उसको एक्सप्लेन करना होता है आपको। कुछ होते हैं कि आपको सिर्फ मीनिंग लिखना होता है और मीनिंग के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें लिखनी होती है। हो सकते हैं कुछ होते हैं कॉम्बिनेशन वाले होते हैं कि एक तरफ आपको मीनिंग लिखना है, दूसरी तरफ आपको उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखनी है। तो किस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है? तो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ जो कॉमन चीज़ें होती है। कोटेड लाइन वाले नहीं बता रहा मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगा कोटेड लाइन में भी क्या सीन होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बेसिकली ऐसे वाले जिसमें डबल चीज़ें होती है, कि आपको उसमें मीनिंग भी लिखना है, साथ में उसके एडवांटेज भी लिखने हैं, डिसएडवांटेज भी लिखने हैं और करेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं। मतलब होता है ना कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट एक्सप्लेन इज करेक्टरिस्टिक्स, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर कैसे प्रेजेंटेशन लिखनी है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के आते हैं। तो क्या करना है उसके अंदर आपको, जैसे कि व्हाट इज मैनेजमेंट, क्योंकि मैं ये मैनेजमेंट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, सभी लोग समझ पाएंगे मैनेजमेंट के बारे में। वरना मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं उसको भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ही ये मैनेजमेंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि सभी लोग समझ पाएंगे। तो व्हाट इज मैनेजमेंट अगर आपका सपोज है तो बहुत सारे लोग कैसे लिखेंगे, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, खत्म। क्या ये ही है क्वेश्चन? कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा और हम सिर्फ इतना लिख के बैठ गए। कभी वहाँ पर लिखा भी होता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स कि 4+11 कि मतलब कि 4 मार्क्स का तो व्हाट इज मैनेजमेंट हो गया और 11 मार्क्स का बाकी है। तो मार्क्स आपने समझ लिया कि व्हाट इज मैनेजमेंट क्या है, 4 मार्क्स का लिखना। तो 4 मार्क्स में आप 2 लाइनें लिख सकते, जो भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो कम से कम आपको एक पेज में लिखना है। इस बात को ध्यान रखना, एक पेज में तो लिखना है, एक पेज से कम ना लिख देना उसको कभी भी, तो वो मार्क्स आपके कहीं फिर मिलेंगे नहीं आपको। मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट अगर आया, अगर वो 4 मार्क्स का है ठीक है, अगर वो होता 2 मार्क्स का फिर तो ठीक था, 4 मार्क्स का है तो भाई उसको आपको कम से कम एक पेज में लिखना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक पेज में लिखना ही लिखना है। हो सकता है कि उसको 1.5 पेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना है। अब कैसे लिखना है ये तो सारा खेल है ना, किस तरीके से लिखना है यही तो सारा खेल है। अब क्या करना है, सपोज करो आपने व्हाट इज मैनेजमेंट आया, उसको सबसे पहले एक हेडिंग डाल दो, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट या इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट,
मेरे लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप क्या करो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो, मीनिंग मार्कर लिखो, अच्छा खासा लिखो, ठीक है। ऐसा ना करो कि भाई आपने से बहुत ही छोटा सा लिख दो। आप मीनिंग और मैनेजमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इंट्रोडक्शन लिखो पहले। इंट्रोडक्शन लिखो कि मैनेजमेंट कहाँ से आया, मैनेजमेंट कहाँ से आया, ठीक है। कि ह्यूमन में बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ह्यूमन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए मैनेजमेंट की नीड पड़ गई। इस तरीके से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है कि मैनेजमेंट कहाँ से आया, क्यों आया, छोटा सा लिख दो, चाहे वो 3-4 लाइन में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट लिखना है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब उसको भी सीधा एकदम से चीज को, पिक्चर को क्लियर नहीं करना है एकदम से, मतलब आप समझोगे एक पिक्चर देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि सीधे एकदम क्लाइमेक्स आ जाए, या पहले से अगर आपको कोई बता दे तो फिर मज़े नहीं आता पिक्चर देखने का। ऐसा ही एग्जामिनर के साथ भी होगा, उसको एकदम से समझ जाना चाहिए, उसको ढंग से पूरा का पूरा स्टोरी टाइप बनाना है। ये मीनिंग और मैनेजमेंट आप लेकर, ये नहीं कि ज़्यादा डेफिनेशन लिख के बैठ गए, अच्छे से उसको लिखना है कि मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स, नहीं लिखना, इस बात को ध्यान रखना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप लिखना है कि मैनेजमेंट को थोड़ा टुकड़ों में लिख दो, मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से बना, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रेफर्स टू दिस, ठीक है, या मैनेजमेंट वर्ड डराइव फ्रॉम दिस। इस तरीके से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पीछे यहाँ पे चला भी सकता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर वर्क करते चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को तरीके से लिखना है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा लैंग्वेज अपनी ना देखो, बुक की लैंग्वेज का इस्तेमाल करो ज़्यादा, क्योंकि बुक की लैंग्वेज क्या होती है कि वो काफ़ी ठीक होती है। अपनी लैंग्वेज आपको पता ही है कि इतनी बढ़िया अगर आपकी है तो ये आप वीडियो नहीं देख रहे होगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगर ज़्यादा ही बढ़िया लैंग्वेज है, आप अच्छे से लिख सकते हो पहले से बना के, फिर क्या दिक्कत है। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आपको बुक का लैंग्वेज का सहारा लेना होगा, यही तरीके से। तो मैंने भी वही सारा लिया था बुक की लैंग्वेज के साथ, लेकिन मेरे को भी बहुत अच्छा कोई बनाना नहीं आता था, मैंने भी सारा बुक का सारा लिया था। बुक की जो लैंग्वेज है उसको ही समझा, ये लैंग्वेज है, ऐसे मतलब एक आइडिया ले लिया कि इस तरीके से, इस तरीके से लाइन लिखनी है। अब उसमें आप कुछ अपने वर्ड ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर मेरे सामने आया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। सो मैं यहाँ पर, मेरी मर्जी है स्टार्ट, देखो मैंने आपको सीधा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग, सीधा नहीं लिखना, लिख भी सकते हैं कि, लेकिन किस तरह से लिखना है उसको ध्यान समझना। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट मैं कैसे लिखूंगा, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अस विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और उसके बाद लिखूंगा कि एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी का मीनिंग क्या है, या फिर मैं कैसे लिखूंगा, ये मैं आपको, ये होगा फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या लिखूंगा, इन आफ्टर द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन द बिजनेस बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, सो इन ऑर्डर टू मैनेज द मैन पावर द रिसोर्सेज तो दिस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंट इज कंसर्न विद दिस, इफेक्टिवली कंसर्न विद दिस, सो इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल इन द बिजनेस वी हैव टू मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट हैज दिस कैटेगरीज ऑफ फाइव फंक्शंस। और उसके बाद नेचर ऑफ, बहुत सारे होता है, हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट होती है, तो मैं हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट लिखूंगा उसके बाद कि हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ दिस, जैसा आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो। और उसको मैं कम से कम 2 पेज में लिखूँ, क्योंकि यार ये टॉपिक ऐसा है कि मैं, हम बना के लिख सकते हैं, अगर आपको अच्छे से आता है तो 2 पेज में लिख सकते हो। 4 पेज, 4 मास का क्वेश्चन कम से कम 1 पेज में लिखना है, लेकिन कम से कम है वो,
ज़्यादा ज़्यादा आपकी दिक्कत है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, मैं कम से कम जो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं लिखूंगा कि 2 पेज तो लिख सकता हूँ इसके अंदर, और तभी ठीक लगेगा, और एग्जामिनर को भी ठीक लगेगा कि हाँ भी मैनेजमेंट के बारे में उसको पूरा पता है। 2 पेज से ऊपर लिखूंगा, फिर मैं करेक्टरिस्टिक पे आऊंगा, करेक्टरिस्टिक और मैनेजमेंट, और कोई भी करेक्टरिस्टिक लिखने से पहले, या हाँ कोई भी हेडिंग डाल के सीधा, ये नहीं करेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट लिख दिया और उसके बाद सीधा पहला पॉइंट लिख दिया मैनेजमेंट इज अ गोल ऑरिएंटेड प्रोसेस, नहीं, सबसे लिखूंगा द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स आर एस फॉलोस, ये आप उससे भी पहले आप कुछ और लिख सकते हो, मैनेजमेंट इज द गोल, या कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट आर एस फॉलोस, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, लेकिन एक लाइन तो दूंगा कम से कम। फिर मैं एक पॉइंट लिखूंगा मैनेजमेंट एज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हेडिंग अंडरलाइन करूंगा, फिर उसके बाद वापस चीजें लिखना स्टार्ट करूंगा। ये मैं आपको बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर कुछ दिखाओ भी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर, अगर मेरे पे सैंपल पड़े हुए कुछ, मैं आपको वो यहाँ दिखाऊंगी जो सैंपल है, जिसमें आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। तो ये ऐसे चीज़ें आप लिखोगे, इस तरह से लिखो, और मैं करेक्टरिस्टिक को मैनेजमेंट को जो पॉइंट लिखूंगा उस पॉइंट को कम से कम मैं 4 या 5 मैनेजमेंट को कम से कम लिखूंगा, और बुक की लैंग्वेज से ही आपको लिखना है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज आप लिखोगे तो वो अपनी, फिर तो आपको सब कुछ आता है ना, अपनी लैंग्वेज अगर आती थी, अगर आपको अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छी बनानी आती है तो वो कहाँ से आएगी, पढ़ के आएगी, पढ़ना कहाँ से, बुक से या किसी कोई अच्छे मटेरियल से, तो पहले आपको पढ़ना होगा कि क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो, उसी के हिसाब से ही अपनी लैंग्वेज बनती है, अपनी लैंग्वेज कोई अपने आप नहीं बन जाएगी आपकी, जितना आपको टॉपिक के बारे में समझ होगी उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं ना, तो अपनी लैंग्वेज बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो एक बार ढंग से टॉपिक को समझना है, वहीं से पढ़ना है, वहीं से ही आपकी लाइनें डिसाइड होगी, और स्टार्टिंग की लाइन आपके दिमाग में आनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि जब भी ऐसा पॉइंट लिखना है तो उस पॉइंट में सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है, तो उससे क्या होगा कि आप अटकोगे नहीं बीच में, आपको ये समझ नहीं आएगा कि यार ये पॉइंट तो लिख दिया, क्या आप समझ नहीं आ रहा क्या लिखूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको ये पता हो ना, बुक की लैंग्वेज थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग की अगर आपने लर्न भी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि हमने लिख दिया मैनेजमेंट गोल 20%, सबसे पहले ये चल लाइन लिखती है, फिर वो आपके दिमाग में भी ये नहीं रहेगा कि हाँ यार ये पॉइंट लिख दे, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखूँ, ये चीज़ें नहीं आएगी उसके, ये तभी चीज़ें आ रही है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, आप ऐसे चला गए हो पेपर देने के लिए, आप मुंह उठा के पेपर देने चला गए हो, यही सबसे बड़ा रीज़न है, आपको पढ़ना है सबसे पहले किसी बुक से, स्टडी मटेरियल से, तो फिर चीज़ें वर्क सकती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ऐसे करते करते मैं इसमें कैरेक्टरशिप और मैनेजमेंट बुकिंग सबसे ज़्यादा मेन है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरशिप लिखना करूँगा, बीच में कुछ हो सकता है कि मैं डायग्राम बनाऊँ, बीच में हो सकता है कि मैं कुछ अच्छा खासा कुछ डायग्राम बना दूँ, अच्छा खासा कुछ एग्जाम्पल्स लिख दूँ, जिससे क्वेश्चन बड़ा हो, जिससे आंसर खींचे, खींचने का मतलब ये नहीं है कि मैं ज़्यादा पैराग्राफ बनाऊँ, थोड़ा सा डायग्राम बनाना बीच में, थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है, थोड़ा सा फील आए पढ़ने में भी, जो एकदम से एग्जाम में पढ़ने वाला है उसकी वहाँ फील आए, हाँ इस बंदे को आता है, तो करेक्टर चीज को मैनेजमेंट कम से कम मैं 4 या 5 पेज में लिखूंगा, 4 से 5 पेज में तो इजीली लिखना पड़ेगा, वही आपका मेन है भाई, 11 नंबर का वही है, तो ऐसे करते करते मेरे 7 पेज तो आराम से बढ़ जाएंगे, 2 पेज तो मैनेजमेंट वाले हो गए, 5 पेज यहाँ पर हो गए, 7 पेज तो आराम से हो गए, 7 पेज अगर आपने लिख दिए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सिंपल है, और आपने क्योंकि अच्छा खासा लिखा है, आपने प्रेजेंटेशन का ध्यान दिया है, आपने डायग्राम बना है, डायग्राम भी बना सकते हो आप, करेक्टरिस्टिक और मैनेजमेंट लिखने से पहले आपने डायग्राम बना दिया तो जो पढ़ने वाला उसको समझ आ जाएगा कि भाई सारे पॉइंट इसको आते हैं, ऐसा करो,
पढ़ने से पहले ही आपके मार्क्स डिसाइड हो गए वहीं पे। प्रैक्टिस लिखने से पहले ही आप डायग्राम बना दो, फिर आप प्रैक्टिस लिखने बैठो। बीच में थोड़ा सा प्रैक्टिस जब लिख रहे हो तो हो सकता है कि आप एक एग्जाम्पल भी दे दो। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आता है कि बंदे को आता है। आप बीच में एक डायग्राम बना सकते हो छोटा सा कॉन्सेप्चुअली, जैसे कि मैनेजमेंट, नथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू, सॉरी मैनेजमेंट माइनस, या मैनेजमेंट इज इक्वल टू एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग। कुछ में से अगर मैनेजमेंट हटा दो तो कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे ही आप करेक्टरिस्टिक के हिसाब से, कि गोल ओरिएंटेड पर्पस है, तो अच्छा आपने एक बंदा मैनेजर बनाया कि इस बंदे मैनेजर को गोल अचीव करना है, कहाँ से हो सकता है, मैनेजमेंट से। आपको ये इस हिसाब से दिमाग लगाना है, वो कैसे लगेगा जब आपको टॉपिक की समझ होगी, टॉपिक आपको आता होगा। अगर वो टॉपिक की समझ नहीं है, आप रट्टा लगा रहे हो, तो ये चीज़ ये डायग्राम डोग्राम जो मैं बता रहा हूँ, ये वाले कॉन्सेप्चुअली डायग्राम से मैं बोलता हूँ, ये नहीं बनने के। तो टॉपिक को समझो, बहुत ईजीली आपका, आप कुछ भी बना के लिख सकते हो। मतलब जो आपका दिमाग क्वेश्चन होगा ना, बना के कैसे लिखते हैं, वो तभी है क्योंकि आपको टॉपिक के बारे में ढंग से पता नहीं है। टॉपिक के बारे में पता करो, पढ़ो, बिना पढ़े कैसे आप लिख सकते हो बना के। ठीक है, तो एक बार आपने टॉपिक को पढ़ लिया, समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, ख़त्म बात। उसके बाद अपने आप बना के लिखोगे वहाँ पर आप, अपने आप बिना कोई, और मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया पूरा पूरा कि कैसे बना के लिखना है, कि पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मीनिंग, या दोनों को आप एक ही लिख सकते हो, मीनिंग ऑफ मीनिंग भी खाली लिख सकते हो, या इंट्रोडक्शन खाली लिख दो, जैसा आप चाहो। उसके बाद आपको वो लिखना है जो आप क्वेश्चन है मेन। कोशिश करो कि भाई थोड़ा सा बड़ा लिखो, ऐसा नहीं है कि बस छोटा सा लिख दिया। इंट्रोडाइज करके स्टोरी में लिखो, ऐसा नहीं है कि सीधा मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू दस। आपने थोड़ा सा लिखो इंट्रोडाइज करके, मैनेजमेंट कहाँ से आया, फिर मैनेजमेंट उसको लिंक कर दो बात को मैनेजमेंट की मीनिंग से। तो ये चीज़ आप समझो कि एक स्टोरी में तरीके से बनाना है, एकदम से मेन पॉइंट पे नहीं आना है। इस तरीके से आप चलोगे तो बहुत इजीली आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो मेरी, बीकॉम स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तब तक के बाद थैंक यू सो मच।